रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। जालौन में एटा पुलिस ने जिला बदर अपराधी को किया गिरफ्तार। जालौन पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि सीओ कोंच राहुल पांडे के नेतृत्व में एटा थाना प्रभारी विनय दिवाकर की टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक शातिर दिमाग जिला बदर अपराधी गिरफ्तार किया है और इनके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया है। संबंधित मामले में क्षेत्राधिकारी कोंच राहुल पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम कलूटे उर्फ हरि सिंह निवासी ग्राम वर्द थाना क्षेत्र 8 का रहने वाला है और इसके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में करीब 11 मुकदमे दर्ज हैं और इसे जिला प्रशासन ने 6 माह के लिए जिला बदर अपराधी घोषित किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद जालौन के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत एक थाना अध्यक्ष द्वारा एक अभियुक्त जो जिला बदर अपराधी है उसको हाईवे के किनारे से गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर लगभग पहले से 11 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके बाद से एक अदद नाजायज चाकू भी बरामद किया गया है। इसको जिलाधिकारी महोदय द्वारा 19 जुलाई 2021 को जिला बदर घोषित किया गया था। इस तरह के अभियान अपराधियों के विरुद्ध लगातार जारी रहेंगे। या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दें या फिर जनपद छोड़ दें, जिले में कोई भी अपराधी नहीं रहेगा। सर मौके से क्या कुछ बरामद किया गया? इसके पास से एक नाजायज चाकू बरामद किया गया है जिसमें अभियोग पंजीकृत करके इसको जेल भेजा गया है।